हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर क्या है? लेक्चर है अध्याय 10 विकिरण तथा द्रव्य के द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर के अंदर 3-4 वीडियो लगभग हमने आपको दे दी हैं, तो वो कहाँ मिलेंगी? आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन्होंने बेल आइकन हमारा बटन दबा रखा है, क्लिक कर रखा है, उन पे इसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाते हैं जो भी हमारी नई नई वीडियोस डलती रहती हैं। तो आप भी लगातार, जो यदि आज ही नए बच्चे नए जो है स्टूडेंट जुड़े हैं हमारी इस वीडियो से, तो वो भी जो है इसे लाइक और क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथ में बेल आइकन का बटन भी क्लिक जरूर कर लें, ठीक है। तो क्या हमने पुराने वीडियोस में पढ़ाया? पुराने वीडियोस में हमने देखा कि विभिन्न जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जैसे कि आपके हर्ट्ज हो गए, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज हो गए, इसके अलावा फिलिप लेगार्ड हो गए, और आपके जो हैं अभी मिलिकन भी आ गए हैं यहाँ पे, देखिए मिलिकन भी आ गए हैं यहाँ पे। तो इन्होंने अलग अलग तरह से अपने तरह से प्रयोग देखा, क्या देखा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग देखा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। उन्होंने क्या देखा कि जब धातु पर प्रकाश गिराया जाता है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसके कार्यफलन के बारे में बात हुई वहां पर। वहां निरोधी विभव के बारे में बात हुई कि निरोधी विभव है तो जो है कार्यफलन कितना है। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है। इसके अलावा विभिन्न वहाँ पर ग्राफ भी आपको समझाए गए कि किस प्रकार से प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको बताया कि जो आपका प्रकाश की आवृत्ति है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है अधिकतम, उसके बीच ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। और ग्राफ खींचा जाता है तो कितनी आवृत्ति के बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जनरेट होते हैं, तो वो कौन सी आवृत्ति होती है? दहली आवृत्ति होती है, ठीक है। तो वो सारी बातें वहां पर कही गई। तो मोटे मोटे तौर पर जो बातें वहां पर कही गई उनको मिलाकर कुछ खास पॉइंट्स को निकाल करके हमारा ये टॉपिक तैयार होता है, जो कि है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, यानी कि किन कंडीशंस में, किन नियमों पर आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कि यदि ये नियम नहीं लागू होंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न ही नहीं होगा, दिखाई ही नहीं देखा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रभाव, उस प्रभाव को, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को देखने के लिए, उस प्रभाव को अस्तित्व में होने के लिए हमें इन नियमों की आवश्यकता है। ये नियम हमें पता होने चाहिए, उन्हीं कंडीशंस पे आप प्रयोग कर पाते हो। और ये नियम क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। तो नियम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आप करके आ सकते हो। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ लेंगे इसे। तो क्या है, लिनार्ड साइंटिस्ट, मिलिकन साइंटिस्ट ने क्या करा, दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रायोगिक परीक्षण करे। प्रायोगिक क्या करे, परीक्षण करे, व्यवस्था तैयार करी अपने अपने, और उन्होंने प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर कुछ परीक्षण जो देखे उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए। तो वो क्या नियम बनाए, वो देखते हैं क्या नियम बनाए। पहला नियम जो की है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे तो समय के अनुसार जो उनके उत्सर्जन होगा, समय के साथ जो उनका उत्सर्जन होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि तीव्रता आप बढ़ाओगे प्रकाश की, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। तो प्रकाश उत्सर्जन की दर किसके अनुक्रमानुपाती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, वो तीव्रता के अनुपाती है प्रकाश की। तो ये आपस में अनुक्रमानुपाती है, ये बढ़ाओगे तीव्रता, बढ़ाओगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तीव्रता घटाओगे प्रकाश की तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन कम उत्पन्न होंगे, कम उत्सर्जन उनका होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। जो धातु प्लेट जो है, जस्ता वाला, जस्ते की प्लेट है, या फिर कैडमियम की प्लेट है, या फिर और तरह की प्लेट है, सीजियम वगैरह, लिथियम वगैरह, उनकी यदि प्लेट है, तो यदि उनसे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उनकी यदि अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात की जाए, तो वो भी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर वो भी निर्भर करती है कि कितने ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं।
ठीक है, वो भी निर्भर करेगी कि इसे बढ़ाने पर वे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, तो वो भी निर्भर करेगी। अब आती है तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। तो प्रकाश जो आ रहा है उसकी एक होगी तीव्रता और एक होगी उसकी आवृत्ति। तो यदि आवृत्ति को आप बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। किसके बढ़ने पर? आवृत्ति के बढ़ने, प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाएगी। तो ये भी तीसरा पॉइंट, तीसरा नियम, ठीक है। चौथा नियम देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो, जितनी आवृत्ति प्रकाश की होनी चाहिए धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यदि वो कम है उस आवृत्ति से तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। कब नहीं निकलेंगे? यदि आवृत्ति कम है, किससे कम, एक न्यूनतम आवृत्ति से जिसके बाद में प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे, तो यदि उससे कम है उसकी आवृत्ति तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और वो जो कम आवृत्ति है, जिस जो मान है उसका कम आवृत्ति का, जिसके बाद में प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तो उसे कहते हैं दहलिया आवृत्ति। क्या होती है? दहलिया आवृत्ति होती है। और दहलिया आवृत्ति का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी सीजियम धातु है तो उसके लिए दहलिया आवृत्ति का मान कुछ और होगा, लिथियम है तो कुछ और होगा, कैडमियम है तो कुछ और होगा। तो इस प्रकार से विभिन्न मान सबके होते हैं, ठीक है, दहलिया आवृत्ति के सबके लिए। इसके बाद पांचवा पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ फिर क्वेश्चन बता, तो कैसे आएगा, तो धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने, धातु की सतह पर जो प्रकाश का प्रकाश गिरता है, ठीक है, तो जब प्रकाश गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी तुरंत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? तुरंत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि प्रकाश के गिरने में, जैसे जैसे कि ये प्लेट है, प्लेट पर प्रकाश आ रहा है, ये तो प्रकाश प्लेट पे गिरा और प्रकाश के गिरते ही यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बीच में समय पश्चता नहीं होती, समय पश्चता का मतलब टाइम लैग, यानी कि बीच में कोई समय नहीं लगता। हालांकि समय लगता है, वो समय बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? वो छोटा होता है 10^-9 सेकेंड। तो 10^-9 सेकंड इतनी छोटी राशि है कि ये हमें पता ही नहीं चल पाता कि प्रकाश डला भी और कब उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। तो 10^-9 सेकंड का समय लगता है। तो यही इसमें बताया गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब होता है टाइम लैग, यानी कि इधर तो प्रकाश डला और उधर फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये टाइम लैग नहीं आता इनके बीच में। जैसे ऐसा होता ना कि प्रकाश डला और एक मिनट बाद निकलने स्टार्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। वो डलता है प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम लैग नहीं होता। और वो टाइम लैग होता भी है परंतु इतना छोटा होता है कि वो नगण्य हो जाता है, यानी कि उसे उपेक्षणीय मान लिया जाता है। तो इतना छोटा टाइम लैग इनके बीच में होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया था, धातु की सतह पर प्रकाश के गिरते इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण जो है आइंस्टाइन की, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से मानी जाती है इस चैप्टर की, क्योंकि इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और साथ में आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्गमन भी पूछा जाता है। तो वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो पढ़ते हैं इसको। तो बात है उस समय की, जब मैक्स प्लांक ने पाया कि जो चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, किसकी, क्लासिकल फिजिक्स, या कह लीजिए चिरसम्मत भौतिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ हो गए। यानी कि जो भौतिकी थी, ये वाली चिरसम्मत भौतिकी, उसका कोई भी सिद्धांत काम नहीं आया इस प्रभाव को समझाने के लिए, नहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए इसका कोई सिद्धांत काम नहीं आया। तो मैक्स प्लांक ने अपनी एक नई थ्योरी दी और नई थ्योरी के आधार पर जो है प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाया जा सका। तो आइंस्टाइन ने भी क्या किया, आइंस्टाइन ने जो है मैक्स प्लांक की
जो इन्होंने आपका सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको इन्होंने आधार बनाया, क्या बनाया, आधार बनाया और प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या की। तो कैसे व्याख्या की वो पढ़ते हैं, तो आइंस्टाइन की बात आती है, तो आइंस्टाइन ने सन 1905 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत दे चुके थे उस टाइम तक, तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को आधार बना लिया उन्होंने और उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या कर दी। तो मैक्स प्लांक ने क्या दिया था यहाँ पे, मैक्स प्लांक ने दिया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी दी थी और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे समझाया, आइंस्टाइन ने इस प्रभाव को समझाया। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत में मैक्स प्लांक के अनुसार क्या कहा गया था वो देखते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत में कहा गया था कि प्रकाश स्रोत जो होता है उससे ऊर्जा निकलती है, जैसे कि प्रकाश स्रोत आप देखते हो भाई, प्रकाश स्रोत सूर्य से आता है तो उसमें गर्मी तो होती है, ऊर्जा ही तो होती है। तो उन्होंने क्या कहा, जो ऊर्जा उससे निकलती है वो उस जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में निकलती है। यानी कि कैसे बंडल थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत सूर्य है, ये सूर्य से प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये मान लिया, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में निकलेगा। कैसे, ये बंडल निकल गया, ये बंडल, तो ये एक बंडल हो गया ये, ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरा बंडल हो गया, इसी प्रकार से ये चौथा बंडल हो गया, मतलब तीसरा बंडल हो गया। तो इस प्रकार से बंडल्स के रूप में सूर्य से प्रकाश निकलता है और इन बंडल्स को क्या कहते हैं, इन बंडल्स को कहते हैं क्वांटा। क्वांटा इंग्लिश में भी क्वांटा, फोटोन और फोटोन, तो फोटोन और क्वांटा इन्हें बोला गया, ठीक है। फोटोन स्पेशली जो था आइंस्टाइन ने रखा था इसका नाम कि फोटोन इन्हें बोला जाए, ठीक है, तो फोटोन उनके अनुसार इसे फोटोन बोला गया, जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में ऊर्जा हमारी निकल रही है प्रकाश स्रोत से, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। और फोटोन की जो ऊर्जा बोली गई, ऊर्जा बताई गई वो एच न्यू बताई गई, जिसमें एच जो था वो एक कॉन्स्टेंट है। एच क्या है, कॉन्स्टेंट, जो कि प्लांक के नाम पर ही प्लांक कॉन्स्टेंट उसे हम कहते हैं। और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश में आवृत्ति होती है, आपको पता है प्रकाश की आवृत्ति होती है, तो प्रकाश की आवृत्ति को न्यू माना गया, तो प्रकाश की आवृत्ति हम पढ़ते ही आ रहे हैं अब तक। और जो ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है प्रकाश स्रोत से, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू के रूप में होता है। यानी कि जो फोटोन निकल रहे हैं, ये जो फोटोन निकल रहे हैं, किसी की ऊर्जा एच न्यू होगी, किसी की ऊर्जा टू एच न्यू होगी और किसी की ऊर्जा थ्री एच न्यू होगी। ये पता नहीं किसकी ऊर्जा एच न्यू हो और किसकी ऊर्जा टू एच न्यू या थ्री एच न्यू हो या फोर एच न्यू, फाइव एच न्यू या फिर इसके आगे भी। तो किसकी ऊर्जा, किस बंडल की ऊर्जा ऐसी होगी, किस फोटोन की ऊर्जा ऐसी होगी, ये हमें नहीं पता, ठीक है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया। अब बात आती है कि जो इस पॉइंट में कहा गया, ये वाला पॉइंट, तो इसमें बात क्या कही गई है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद मैं इसको समझा देता हूँ क्या है ये। तो जब क्या है कि जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश, यानी प्रकाश की आवृत्ति क्या है, न्यू, किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, जब आवृत्ति न्यू का प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो प्रत्येक आपतित प्रकाश फोटोन, ये पूरा वर्ड है, प्रत्येक आपतित प्रकाश फोटोन, यानी कि जो ये आपतित फोटोन है, ये धातु में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी कि जब ये किसी धात्विक प्लेट पर गिराया जाएगा, ये धात्विक प्लेट मैंने दिखाई थी इस तरह से, धात्विक प्लेट, तो ये धात्विक प्लेट पर इस प्रकार से गिराया जाएगा, ये क्या है, विसर्जन नली का, और ये फोटोन आ रहे हैं बाहर से, ये फोटोन आ रहे हैं बाहर से, और ये इस पे जब गिराया जाएगा तो इसके अंदर जो क्या है, धात्विक प्लेट के अंदर, धातु की प्लेट के अंदर क्या है, इस धातु के प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे अवशोषित कर लेता है, तो इस फोटोन का, किसका फोटोन क्या थी, इस फोटोन का, तो आपतित प्रकाश फोटोन का, की ऊर्जा का, ऊर्जा कुछ भाग ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, बाहर निकलने के लिए पृष्ठ से, इसके जो है ये जो पृष्ठ दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, धात्विक पृष्ठ, तो धात्विक पृष्ठ से बाहर आने के लिए क्या करेगा, अभी कोशिश करेगा बाहर आने की, तो ऊर्जा
अपनी कहां खर्च करेगा, उससे बाहर निकलने के लिए। तो जो ऊर्जा वो खर्च करेगा बाहर निकलने के लिए उसे क्या कहेंगे, कार्यफलन। तो ये कार्यफलन के रूप में खर्च कर देता है। तो इस ऊर्जा को क्या करता है, कार्यफलन के रूप में इस कुछ ऊर्जा को, सारी ऊर्जा को नहीं, कुछ ऊर्जा को खर्च कर देता है। अब जो उस पर ऊर्जा बच गई खर्च होने के बाद, कितनी ऊर्जा मिली थी उसे, एच न्यू या फिर 2H न्यू भी मिल सकती है, पर हम नॉर्मली एच न्यू मान के चलते हैं। तो एच न्यू मिली थी उसे, एच न्यू में से कितना खर्च कर दिया उसने, उसने कार्यफलन के रूप में W खर्च कर दिया। क्या कर दिया, W खर्च कर दिया, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, W। तो बचेगी जो ऊर्जा वो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा। तो खर्च कर देता है तथा शेष भाग वह गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी ऊर्जा कुछ बच जाएगी, वो ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा होगी, जिसे हम EK कहते हैं। क्या कहते हैं, EK कहते हैं। इसके अलावा एक बिंदु बताया गया है कि धातु पृष्ठ से जो विभिन्न गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हमने अभी बात की केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा है, पर फोटो इलेक्ट्रॉन केवल एक नहीं निकलता, बहुत अधिक संख्या में निकलते हैं। जब पृष्ठ पर, किसी धात्विक पृष्ठ पर कोई प्रकाश डाला जाएगा, सपोज करो धात्विक पृष्ठ ये है इस तरह से और इस पर प्रकाश डल रहा है इस तरह से, तो धात्विक पृष्ठ में जब प्रकाश डलने पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके अंदर से। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और होगी, सबकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, किसी की भी एनर्जी समान नहीं होगी। क्यों समान नहीं होती, ऐसा जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन एच न्यू ऊर्जा का डाला जाता है, तो ये जैसे कि आप समझ लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जगह जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो भरे पड़े हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने जरा सा दिखाया, पर भरे पड़े हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो यहाँ होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसे और दिखा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ये आपका, ये धातु का, धातु दिखाई गई है, ठीक है, इस धातु, एक प्लेट दिखा दी धातु की, इसके अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन बड़े पड़े, धातु पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन बड़े पड़े। सपोज करो प्रकाश कहाँ से आता है, फोटोन कहाँ से आते हैं, इधर से आते हैं, डले, फोटोन कहाँ से आता है, इधर से आया, तो ये जब डला तो इसकी ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। तो एच न्यू ऊर्जा का फोटोन यहाँ डलेगा, तो ये क्या करेगा, मान लो इस वाले को ये ऊर्जा मिल गई, इस वाले को ये ऊर्जा मिल गई, हो सकता है इस वाले को मिल जाए, इस वाले को, हम कहते हैं किसी एक को मिल गई, हमने कहा इसको मिल गई, तो ये सतह के पास है, तो ये कुछ ऊर्जा खर्च करेगा बाहर निकलने के लिए, वो क्या होगा, कार्यफलन। और तो बाद में जो बची ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा। बट जो अंदर की तरफ है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको ये ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या करेगा, तो ये यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा खर्च करेगा ऊर्जा को, क्या करेगा, ज्यादा खर्च करेगा। ये क्या करेगा, ये थोड़ी कम खर्च करेगा, ये क्या करेगा, ये और ज्यादा खर्च करेगा, ये क्या करेगा, और ज्यादा खर्च करेगा। तो जब ये ज्यादा खर्च करेंगे, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ऊपरी सतह में है, ये धातु की ऊपरी सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने धातु की ऊपरी सतह दिखा दी एक तरह से आपको, तो ये जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी तो अपनी अपनी ऊर्जा को अपनी स्थिति के अनुसार ये खर्च करेंगे। कोई सतह से जितना दूर होगा वो उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा। तो वो कैसे ऊर्जा खर्च करेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, परमाणु भी होंगे, बीच में क्या होंगे, परमाणु, तो परमाणु से टकरा कर वो अपनी ऊर्जा को खत्म करेगा। क्या करेगा, जैसे बीच में परमाणु भी, हमने कहा परमाणु भी है बीच में परमाणु भी है यहाँ पे, तो कोई इलेक्ट्रॉन जिसे इसे ऊर्जा मिली तो ये टकराएगा, टकराकर बाहर निकलेगा, तो टकराने में इसकी ऊर्जा खर्च हुई, फिर यहाँ टकराया, फिर ये आगे टकराया, फिर ये आगे टकराया, तो ऐसे टकराते इसकी ऊर्जा काफ़ी खत्म हो जाएगी। और जो ऊर्जा इसकी बाहर निकलने के बाद बचेगी वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से भिन्न होगी। तो यही पॉइंट यह कहा गया है कि विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं धातु पृष्ठ से। तो धातु पृष्ठ से विभिन्न ऊर्जाओं के प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वो कैसे होते हैं वो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसके सूत्र की तरफ, सूत्र निकालेंगे हम इसका, कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमने कहा कि यदि प्रकाश संवेदी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, न्यू है, तो प्रकाश की आवृत्ति कितनी डाली जा रही है, न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला जा रहा है। कार्यफलन कितना है, W है।
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है? ई के है। तो ई के क्या है? जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के है। तो आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ये सूत्र निकालेंगे यहाँ से। तो ऊर्जा कितनी थी? एच न्यू थी, मैंने आपको बताया था एच न्यू थी। एच न्यू जब किस पे डली? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन जो था उस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी खर्च की, तो कितनी खर्च की? W खर्च की। बची कितनी? E के बची। तो इन दोनों को मिलाकर ये किसके बराबर हो जाएगी? ये टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये तो आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा है, ये कार्यफलन हो गया इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या हो गया, उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा उसकी। तो ये आपस में इस तरह से बराबर हो गए। आगे समझ में? ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉन को, वो ऊर्जा कहाँ कहाँ खर्च होगी? एक यहाँ खर्च होगी और एक उसकी गतिज ऊर्जा में उसके पास है। तो ये मिलाकर ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, ई के हमने निकाला, ई के निकाल लिए, तो डब्ल्यू को इधर ले गए, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने वन मान ली, समीकरण नंबर हमने वन मान ली। अब क्या किया, अब हमने कहा कि यदि प्रकाश की जो आवृत्ति है, जो प्रकाश यहाँ से गिराया जा रहा है न्यू आवृत्ति का, उसकी आवृत्ति यदि दहली आवृत्ति के बराबर है, तो दहली आवृत्ति में आपने क्या पढ़ा था जी, जब दहली आवृत्ति के बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, वो शून्य हो जाती है। क्योंकि क्यों शून्य हो जाएगी, इसलिए शून्य हो जाएगी कि दहली आवृत्ति न्यू जीरो है, तो इतना प्रकाश तो मतलब इतनी ऊर्जा, यानी कि एच न्यू जीरो ऊर्जा, एच न्यू जीरो ऊर्जा जो है वो कहाँ खर्च कर देगा, वो कार्यफलन के रूप में खर्च कर देगा। तो कार्यफलन खत्म के रूप में यूज करने के बाद में उसके पास कोई ऊर्जा ही नहीं बचेगी, उसके पास सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो उसकी जीरो ऊर्जा हो जाएगी। वही यहाँ बताया गया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। क्लियर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है ना आराम से? तो क्या हुआ कि जब उसकी दहली आवृत्ति के बराबर ऊर्जा हो जाएगी, तो दहली मतलब दहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति हो जाएगी प्रकाश की, तो उतनी ऊर्जा जो आवृत्ति न्यू जीरो से बनी, उतनी ऊर्जा तो वो कार्यफलन को दे देगा, कार्यफलन में खर्च कर देगा, बाहर निकलने में खर्च कर देगा। तो उसकी ऊर्जा जो बाहर निकलने के बाद बचेगी वो शून्य बचेगी, कुछ नहीं बचेगी, तो ई के बराबर जीरो। तो हमने यहाँ पर इस सूत्र के अंदर ई के बराबर जीरो रख दिया, तो जीरो बराबर एच न्यू जीरो, न्यू की जगह न्यू जीरो रख दिया और डब्ल्यू ये आ गया, तो डब्ल्यू को उधर ले जाओ, तो डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो। ये भी हमने पहले आपको समझाया हुआ है कि डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो निकाल के दिखाया था आपको। अब इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, W का मान जो हमारा ये आया हम यहाँ रख देते हैं, तो E के बराबर एच न्यू माइनस W की जगह एच न्यू जीरो हमने रख दिया। H को कॉमन ले लो दोनों तरफ है, तो अंदर क्या रहेगा, न्यू माइनस न्यू जीरो। तो ये सूत्र याद कर लेना, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें सॉल्व होंगे। अभी सूत्र को हम और थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये बना देंगे सूत्र को, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, उसका द्रव्यमान हमने m मान लिया, क्या मान लिया, द्रव्यमान m मान लिया, और ये भी माना कि जब वो बाहर निकल रहा है और उसमें जो गतिज ऊर्जा है उसके कारण उसकी कुछ क्या होगी, वेग भी तो होगा, क्या होगा उसका, यदि उसमें गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, उसका वेग भी होगा कुछ, तो वेग कितना होगा वो हमें देखना है। तो वेग हमने मान लिया उसका V मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम वेग कितना है गतिज ऊर्जा की वजह से, उसका अधिकतम वेग V मैक्सिमम है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होती है गतिज ऊर्जा का। ये 11th क्लास में आपको वर्क पावर एनर्जी, यानी कि आपके ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में पढ़ाता ना, ये पढ़ा होगा अपने 11th में, E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर ई के की जगह, इस ई के की जगह हमने क्या रख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और यही क्या है, यही आपकी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। एग्जाम में क्या पूछता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, प्रकाश विद्युत समीकरण किस प्रकार आप प्राप्त करोगे, तो वो बताइए। तो उसके लिए आपको सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक का इसे लिख कर आना पड़ेगा यहाँ तक का। तो ये समझ के लिखा होगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ोगे, फटाफट फटाफट अपने हिसाब से लिख दोगे। यदि आप समझ के नहीं जाओगे, रट्टा लगा के जाओगे, तो कोई ना कोई लाइन तो भूल ही जाओगे बीच में, कहीं कुछ छोड़ दोगे, कहीं कुछ छोड़ दोगे, जरूरी है वो भी छोड़ सकते हो, हो सकता है जरूरी में ये था जरूरी यह भूल जाओ, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, समझ के याद करना है, क्या करना है, समझ के याद करना है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं।
बच्चों दो आंकिक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंने लिए हैं। ये वैसे भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? एनसीईआरटी की किताब से लिया हुआ है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी ना किसी साल में आया, लगभग मेरा आइडिया में 2014 के आसपास ही आया हुआ है। और ये इस तरह का प्रश्न है कि आ भी सकता है दोबारा, ठीक है? तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे छाट के आपके लिए आंगिक प्रश्न के रूप में लिया है। तो इनको हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले पढ़ते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पदार्थ का कार्यफलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या दे दिया है हमें? डब्ल्यू दे दिया। कार्यफलन है ये, तो ये डब्ल्यू आ गया। क्या आ गया? ये डब्ल्यू। ये कहता है कि इस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 450 नैनोमीटर है। तो तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा। तो ये क्या दे दिया इन्होंने? लैम्डा दे दिया ये हमें। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी विभव निकालना है। क्या निकालना है? निरोधी विभव निकालना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए। एच का मान ये दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। तो कार्यफलन हमें कितना दिया? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल करने में लिख लेते हैं इसे। तो हमें डब्ल्यू दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ईवी लिख दिया मैंने, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी। 1.2 ई वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तरंग दैर्ध्य लैम्डा दी हुई है। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है? लैम्डा बराबर 450 नैनोमीटर, एनएम नैनोमीटर। और इसको जब हम खोलेंगे तो कितना लिख सकते हैं इसको हम? 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, ठीक है? अब करते हैं बात निरोधी विभव की। तो निरोधी विभव क्या होता है? वी जीरो हमें निकालना है। वी जीरो पता है क्या होता है? वी जीरो किस सूत्र में आया था हमारा? वी जीरो का मतलब होता है ई के बराबर ई वी जीरो। ये हमने सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये सूत्र पढ़ा था। तो ई, ये वी जीरो निकालने के लिए हमें ई के चाहिए, यानी कि गतिज ऊर्जा चाहिए। किसकी? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा चाहिए। और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? आइंस्टीन की समीकरण क्या थी? आइंस्टाइन की जो समीकरण थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वो क्या थी? ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। हम पे न्यू भी नहीं है, परंतु न्यू जो होता है वो एच सी अपॉन लैम्डा होता है। यानी कि न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, ठीक है? ये सारे सूत्र आप पता होने चाहिए। जब पता होते हैं तभी आप कर पाते हो इसको हल आगे, ठीक है? ये माइनस डब्ल्यू रख दो। एच का मान तो पता है हमें, कितना मान है एच का? 6.6 10 की पावर माइनस 34। 6.6 10 की पावर माइनस के 34। लैम्डा भी पता है हमें, लैम्डा 450 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। 450 10 की पावर माइनस के 9। और सी भी पता है हमें, सी 3 गुणा 10 की पावर 8। और माइनस डब्ल्यू कितना है? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं इसे वोल्ट में बदल देता हूँ, तो वोल्ट में ये ई जो है, ई का मान खुल जाता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 आ जाएगा। तो ये वोल्ट हो गया, इधर ये भी उसमें बन गया, ठीक है? ये इस प्रकार से हमारा आ गया। चलो सॉल्व करते हैं इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी घाते हटाओ जरा। घाते हटाओगे तो कैसे होगा? 6.6 गुणा 3 ये रख लिया हमने, ठीक? अब हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लानी है हमें, यहाँ पे दशमलव लानी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऊपर लिख दो 10 की पावर माइनस के 34, और ये 8 जो है इसमें जुड़ जाएंगे, यहाँ पे घात जुड़ जाएगी। ये घात इस घात में जुड़ जाएगी, 10 की पावर इतने आ गए। ये कितना हुआ? 4.5 मैंने लिख दिया, और 10 की पावर माइनस के 7 लिख दिया इसे, ठीक है? मैंने इसको जो है इस तरह से लिख दिया, जो माइनस के 2 घाती में है इसके अंदर ले गया और दशमलव में इसे परिवर्तित कर दिया, ठीक है? यदि थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये करो 10 की पावर माइनस के 34, 8 ये वाले, 7 ही ऊपर जाएंगे माइनस के, प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के यहाँ जुड़ जाएंगे। तो 8, 7, 15, तो माइनस 34 में से 15 माइनस करो तो 14 हो गए, 14 में 5 हो गए 9, यहाँ 2 बचे, 2 में से बन गया 1, तो 19 आ गई पावर, वो भी माइनस की। तो कितने आ गई? डिवाइड में कितना है? 4.5। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, जब आप इसे सोल्व करते हो तो इसको जो सोल्व करते हो तो 4.4 गुणा 10 की पावर माइनस के, ये आके माइनस के 19, और ये क्या गया? जूल में आ गया। क्या गया?
जूल आपका आ गया, यानी कि आइंस्टीन के समीकरण से ई के हमने जो गतिज ऊर्जा है वो हमने निकाल ली। और ई के का मतलब क्या था, ई वी जीरो, तो इस ई के की जगह मैंने ई वी जीरो यहाँ पर रख दिया, तो मुझे क्या निकालना, निरोधी विभव वी जीरो मुझे निकालना है। तो वी जीरो निकालने के लिए मैं क्या करूँ, ई से भाग कर देता हूँ इसे, 10^-19 बटे 1.6 10^-19। या पहले एक काम करो, इसे ई, ये ई है ना, ई कहाँ चला गया, नीचे चला गया, करो इसे जब भाग करोगे तो इसको, इसका मान खोल दो, क्या होता है मान इसका, 1.6 × 10^-19 कूलाम्ब होता है ये मान इसका। तो जब इसको आप भाग करोगे तो वी जीरो चल रहा है, भाग करोगे तो दशमलव से दशमलव गई, 2 8 16, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 11 जा, तो 11/4 आ गया, और 10^-19 कट गया, तो 11/4 ये वोल्ट आ जाएगा। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो भाग करके देख लो इसको, भाग करके आ जाएगा 4 2 8 3 5 4 7 35 4 7 20 28 और 4 5 20, तो ये आ जाएगा इतना वोल्ट। तो कितना वोल्ट आ गया, निरोधी विभव कितना आ गया, 2.75 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है सीजियम का कार्यफलन इतना है, सीजियम का कार्यफलन कितना है, इतना। तो कार्यफलन आ गया, क्या आ गया, ये डब्ल्यू मिल गया हमें। परिकलन कीजिए, क्या परिकलन कीजिए, सीजियम की दहली आवृत्ति, क्या परिकलन कीजिए, सीजियम की दहली आवृत्ति हमें निकालनी है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, इसका यहीं पर कर देते हैं हल। तो हल 2 का a पार्ट, तो 2 का a पार्ट कर रहे हैं, तो कार्यफलन हमें पता है W बराबर कितना दिया हुआ है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सूत्र क्या पढ़ा था, W बराबर h न्यू जीरो, न्यू जीरो क्या थी, दहली आवृत्ति, सूत्र पढ़ा था, ध्यान आया कुछ, W बराबर h न्यू जीरो, और न्यू जीरो ये W की जगह क्या रख दूंगा मैं, तो इसे यहाँ रख दो, तो ये क्या गया, एच न्यू जीरो बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, तो न्यू जीरो निकाल दो, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे न्यू जीरो, एच एच नीचे आ गया, 6.6 × 10^-34। इसे ई वी को हटा के, जो ई हटाएंगे हम इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 × 10^-19 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है, न्यू जीरो आवृत्ति है, तो आवृत्ति किस में आती है, हर्ज में आती है, हर्ज में आवृत्ति आती है। इसको सोल्व करो आप, तो जब इसको आप सोल्व करके आओगे तो इसका आंसर आएगा 5.16 × 10^14 हर्ट्ज। जब आप इसको अब हल करोगे तो ये 10^14 हर्ट्ज आ जाएगा आपका, 10^14 कितना आ जाएगा, 14 हर्ट्ज आ जाएगा, इसे जब भाग करोगे आप। ठीक है, इसे भाग करोगे और इसे भी हल करोगे तो 5.16 × 10^14 हर्ट्ज आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया आपकी, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, सूत्र रखा, सूत्र का मान रखा, क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की जगह हमने उसका मान रख दिया 1.6 × 10^-19, और एच से भाग कर दिया, एच क्या था हमारा, एच हमारा ये था, ये हमने दे दिया, और इसे करके सोल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसका अगला देखते हैं हम। ये कहता है आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य निकालो, क्या निकालो, आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य, कब, यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का निरोधी विभव लगाकर शून्य कर दिया जाए। तो प्रकाशिक धारा शून्य कर दी हमने, क्या लगा कर, निरोधी विभव, तो निरोधी विभव क्या है यहाँ पे, ये है, क्या है यहाँ पे, निरोधी 0.60 वोल्ट का निरोधी विभव लगा रहे हैं। निरोधी विभव कितना दिया हुआ, वी जीरो दिया हुआ, वी जीरो हमें पता है कितना, 0.60 वोल्ट, वोल्ट इतना ही निरोधी विभव हमें पता है। आइंस्टाइन के समीकरण रखते हैं कि प्रकाश वैद्युत समीकरण से, क्या है प्रकाश वैद्युत समीकरण, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये न्यू है हमारा, ई के, ई के क्या होता है, ई के होता है ई वी जीरो, ई के कितना होता है ई वी जीरो, और एच न्यू की जगह रख दिया c/λ, और डब्ल्यू हमने ऐसे कैसे ही रख लिया, हमें क्या निकालना है, तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य के लिए लैम्डा हमें निकालना है, तो डब्ल्यू को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, ई वी जीरो प्लस डब्ल्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकाल दो, तो लैम्डा बराबर एच सी
अपॉन ई वी जीरो प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, इसमें मान रख दो, इसे सॉल्व कर दो। तो क्या एच का मान रख दो 6.6 10 की पावर माइनस के 34, 3 गुणा 10 की पावर 8। ई कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। वी जीरो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो 0.60। और W कितना दिया हुआ था, W हमें ये दिया हुआ था, ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया 2.14, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ई भी है, तो ई के लिए 1.6 10 की पावर माइनस के 19 भी हमने इसे रख दिया, ये भी हमने इसे रख दिया। ऊपर का हल करो तो इसका गुणा कर दो, 3 छिंग 18 19 19.8 आ गया यहाँ पे। और इनको जब करोगे तो 10 की पावर माइनस के 34 प्लस के 8, घात जुड़ गई आपस में, ठीक है, क्लियर लग रहा है। सॉल्व करो, इसे हल करते हैं, इसकी इसमें गुणा कर दो। तो गुणा जब करोगे इसकी कैसे करोगे, 1.6 और 0.6 इनकी गुणा कर दो, तो 16 6 96 होता है 96, और 2 दशमलव है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, एक दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद संख्या, तो 2 दशमलव के बाद में, 2 संख्या के बाद में दशमलव, तो ये कितना गया 0.96 और 10 की पावर माइनस के 19। ये किस में जोड़ दिया, इन दोनों की गुणा कर दो 2.14 और 1.6 की, तो 2.14 और 1.6 की। तो करो जरा गुणा, तो 6 चौक 24 दो यहाँ पे लग गए, तो 6 और 1 6 6 2 8 12 1 4 1 1 1 2 ठीक है, 4 2 और 2 1 3 4 और 3, तो यह आ गया 1 2 3 यहाँ लगेगा दशमलव, तो कितना लग गया 3.424 और 10 की पावर माइनस के 19। और इस 3.424 में ये जोड़ दो 0.96 जोड़ दिया, तो यह आ गया 4, तो 4.384 कितना आ गया, ये वो करो तो कितना आ गया, ये आपके 14 में से 8 गए, आपका 6 26 माइनस के 26, और नीचे कितना बचा 4.384 ये बचा, और साथ में 10 की पावर 19 बचे जो कि ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये, और ये जब कटेंगे और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 454 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 9 मीटर, एक मिनट सॉरी ये हाँ मीटर चल रहा है, ये सही है, तो ये आएगा 454 नैनोमीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा। जब इसे आप हल करोगे तो ये आपका ये निकल आएगा 454 नैनोमीटर। तो बच्चों आज का ये लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अपने साथी दोस्तों को बताइए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसे ओल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ओल आइकन पर क्लिक करके ही आप पे सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुँच पाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी एक दो टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट रह गए, और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम अगले जो है हमारे लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं परंतु कुछ कंसेप्ट उसमें ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इन टॉपिक्स से, यानी कि आइंस्टीन के टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़े रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।